करिए केंद्र दी, केंद्र लॉ एंड ऑर्डर नू लैके हुण पंजाब नू घेरन लग पिया जी। देखो केंद्र जिहड़ा है वह घेरेगा ही घेरेगा। असल दे विच की है कि अमित शाह दे बयान ते इत्थे काफी राजनीति भखी हुई है ते उस भखवी राजनीति दे विच अज आम आदमी पार्टी दी सरकार ने मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखिया, जी आंकड़े पेश कीते वगैरह वगैरह जो भी वो कर सकते सी, तर्क दलीला उन्होंने दित्तियां ने। ये तो सब कुछ चलता ही है, ये तो साढ़े इत्थे सियासत दा दस्तूर है कि वो एक दूजे नूं उन्होंने भंडी जाना निंदी जाना। पर इस दरम्यान एक वड्डी गल जिहड़ी वापरी आ वो जी ये आ कि केंद्र ने पंजाब तो जवाब तलबी कर लई आ। हालांकि खबर जिहड़ी है वो इन्नी ज्यादा हले सियासी सफां दे विच चर्चित नहीं हुई, पर यह सच है कि जेलां च बंद गैंगस्टरां दा पंजाब सरकार तो वेरवा मंगिया गया। जी एक पत्र भेज के जो साड़ी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने अंतरराज्य कौंसल सैक्रेटरीएट वालों ये पत्र लिखा गया पंजाब दे जेडे चीफ सैक्रेटरी है उन्होंने पूछा गया कि पंजाब दिया जिन्या जेलां ने उदे विच बंद गैंगस्टर ही है जेडे गैंगस्टर ने अपने विदेशी मददगारा राही अंतरराज्य सरहद पार तो किवें अपराध नूं अंजाम दे रहे हैं, जवाब दिओ। जी 3 महीने बीत जाने तो बाद भी पंजाब सरकार ने हाल दी घड़ी इहदी कोई मतलब के जवाबदेही नहीं की। ये 3 महीने पहला लैटर जिहड़ा है वो आया, हुण मतलब के इहदी सुग निकली आ कि इस तरह का लैटर जिहड़ा पहला आ गया। ते ये जिद्दां हुण अपराध हो रहे ने, कानूनी हथियार जिहड़े आ गैर कानूनी हथियार जिहड़े वो किन्ने आ, की हिसाब किताब है, किवें फैल रहे आ, गैंगस्टरां तक गैर कानूनी हथियार पहुंच किदां रहे आ, ये वगैरह वगैरह बहुत बड़े सवाल जिहड़े आ पूछे गए ने इन्हां तों। जी तां हाल दी घड़ी कह सकते हैं कि इन्हां दे वल्लों कोई जवाब ते नहीं आया ठोस रूप दे विच, पर एक तरह नाल कह लो कि गुजरात इलैक्शन तों पहला एक तां अमित शाह दा बयान महत्वपूर्ण हो जांदा है। दूसरा ये है कि जिवें हुण मैं कहा कि ये लैटर ते वैसे पुराना है, जी जी इन्होंने जवाब नहीं दिता, तो तुसी देखो कि एदी भी खबर निकल आई है। तो लॉ एंड ऑर्डर ते घेरदे तो पए ने, अमित शाह होरी घेरदे पए ने, इहदे च कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर नाल जुड़िया मसला जिहड़ा तुहानूं पता है कि वो सदा ही किसी भी सरकार वास्ते एक पंगा रहिंदा ही रहिंदा है। तां जी हुण देखणा होएगा कि जिहड़ी केंद्र सरकार बहुत वड्डे पद्धर ते इन्हां नूं घेरण दा यतन कर रही है वो सिर्फ चिट्ठी पत्री तक जां बयानबाजी तक ही सीमित रहिंदी है जां इस तों अगे वधेगी। इस तों अगे दा भाव की है जी कि फिर एक वारी सीधा मोर्चा भी खोल दिता जांदा है ते गवर्नर तां वैसे ही तैयार वर तैयार रहिंदे आ। तां एक वड्डी गल है कि एक पासे तां बड़ी टसलबाजी चल रही है, जवाब दित्ते जा रहे आ, मीत हेयर अड तों पीसी करदे इस मुद्दे ते कि नहीं, साडी जिहड़ी इस वेले लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति है हरियाणे नालों बेहतर है, यूपी नालों बेहतर है, मान साहब कहिंदे ने, सारी गल्लां करदे आ। तां इसे दरम्यान ये खबर भी आ जानी कि भाई इन्हां नूं जिहड़ा लैटर लिखिया गया सी उहदे ते जवाब तलबी कीती गई आ। ये जी बहुत कुछ कहिंदा अपने आप दे विच कि केंद्र सरकार ये नहीं है कि अखा बंद करके बैठी आ, भावें सियासी हालात दे मद्देनजर ही सही, पर वो पंजाब दे विच किते ना किते अपना एक रोल जरूर अदा कर रही है। और तुसीं एक वड्डी होर खबर देखो, खबरां दी दुनिया बहुत वड्डी है, विशाल है, जी साडियां नजरां सारा कुछ नहीं लभ पाउंदियां कई बार। बिल्कुल तां बिल्कुल इत्थे की है कि माइनिंग दा मसला जिहड़ा है, जी माइनिंग दे मसले ते कौमी घट गिणती कमीशन भी एक्टिव हो गया, एक कमाल दी गल है। मसला माइनिंग दा है हाँ तां जी लालपुरा होरां दे कोल शिकायत चले जांदी आ, ये जी कोई छोटी मोटी गल नहीं है। माइनिंग दे मसले ते घट गिणतियां दा कमीशन एक्टिव हो जावे, इहनूं तुसीं इउं नहीं कह सकदे कि एक खबर है, नहीं, एक खबर दे विच एक खबर है। खबर ये आ, खबर दी खबर ये आ कि भाजपा एक पासे ना सिर्फ इन्हां नूं केंद्र बनियों घेर रही है बल्कि लोकल पद्धर ते, क्योंकि वो जिहड़ा माइनिंग दा मसला है कि जिहड़े मंत्री साहब आ हाँ उन्हां जी ते कथित तौर ते दोष लग रहे हैं कि इन्हां दी शह ते माइनिंग हो रही है, जदकि उन्हां ने उल्टा दोष ये लाया वा मतलब कि ये पंजाब नूं गुमराह कर रहे हैं। तक जिहड़े कमेटी वाले आ उन्हां ते मुकदमा दर्ज हो गया पिंड वालियां ते, हाँ साहब जी ला लो। तो वो जिहड़े पिंड वाले आ उन्हां नूं फिर भाजपा ने आख्या कि आ जाओ।
सुनवाई कर रहे हैं। तो एक पासे ये सारा कुछ चल रहा है, दूसरे पासे भाजपा अपना रस्ता भी पदरा कर दी पई है हेठा जी।